नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप गूगल पे अपना कुछ वर्क करते हो या गूगल पे कुछ गलत सलत सर्च करते हो, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पांच चीज़ें बताऊंगा। अगर पांच चीज़ें अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको हो सकती है जेल और बहुत ही बड़ा आपका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये गूगल की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि आप जानते ही हो कि गूगल हमारे लिए एक ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है, जिससे क्योंकि हमारे जितने भी वर्क होते हैं, जितने ऑनलाइन ट्यूशन होती हैं, तो सारी की सारी हमारी जो गूगल से ही होती हैं। और गूगल से हमारे बहुत ही पूरा भारत जो है हमारे गूगल पर ही डिपेंड हो चुका है। गूगल सर्च इंजन बहुत ही जो है तगड़ा इंजन बन चुका है। तो गूगल ने बहुत ही बड़ा ये अपडेट किया है। अगर आप इन पांच चीज़ों को यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको हो सकती है जेल और आपको भारी जो है यहाँ पे नुकसान भरना पड़ सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल का सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना। उस पर आप जो है ट्यूशन वगैरह जो है ऑनलाइन ट्यूशन होती हैं, तो यहाँ पर आप जो है अगर गलत वीडियो देखते हो, जैसे सेक्सी वीडियो देखते हो, तो यहाँ पे आपको आपका जो डाटा है वो चोरी कर लिया जाएगा। उससे जो है आपको यहाँ पे आपकी जो भी जो है, मान के चलिए आप अपने मोबाइल में जो भी वर्क करते हो, या आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, या आपका कोई पर्सनल डाटा आपके मोबाइल में है, तो बहुत सारा सारा हैक भी हो सकता है। और आप जो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा ये नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा आपका पर्सनल डाटा जब चुरा लेता है, पर्सनल डाटा चुराने के बाद आपके नाम कुछ भी वो कर सकता है गलत सलत। अगर वो आपकी आईडी होगी, आपका सब कुछ होगा, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है जेल, क्योंकि कोई बंदा अगर हैक कर लेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारे हम अपने मोबाइल में काम करते हैं, काफ़ी सारे हमारे बैंक से रिलेटेड मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनल होते हैं जो भी हम किसी को बता नहीं सकते। हमारे किसी बैंक में खाता भी अगर हम पिन कार्ड बनवाते हैं या फिर हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, तो हमारा जो OTP आता है वो डायरेक्टली हमारे मोबाइल से ही आता है। अगर आप पाँच चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आप तो यहाँ पर कोई भी गंदी वीडियो नहीं देख सकते हो। अगर गंदी वीडियो को देखने के शौकीन हो, तो अगर यहाँ पर आप गंदी वीडियो देखते हो, तो आज के बाद आप गंदी वीडियो गूगल पर मत सर्च कीजिएगा, मरना आपको हो सकती है जेल। और दोस्तों यहाँ पे तो तीसरे टिप्स की बात कर लेता हूँ। तीसरे टिप में आप किसी भी कस्टमर केयर का नंबर नहीं सर्च कर सकते गूगल पे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर आप सर्च नहीं कर सकते, हैकर्स के हिसाब से ये माना जाएगा अगर किसी का नंबर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आप किसी की भी पर्सनल प्रोफाइल लॉक नहीं खोल सकते। काफ़ी सारे लोग करते क्या है, किसी के पर्सनल प्रोफाइल लॉक खोलने के बाद यहाँ पे उसका नंबर भी ऐड कर लेते हैं। नंबर ऐड करने के बाद वहाँ पे उनके प्रोफाइल में छेड़छाड़ कर देते हैं। अब किसी भी इस तरीके के मामले में पकड़े गए तो आपको हो सकती है जेल, क्योंकि यहाँ पे जो भी गूगल्स में आप सर्च करते हो, आप मानते हो कि मैंने तो उस पर कुछ सर्च ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर गूगल पूरी हिस्ट्री रखता है। आप दिन भर में कितनी चीज़ें सर्च करते हो, कितनी चीज़ें नहीं सर्च करते हो, सारी की सारी यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाती है गूगल्स में। तो यहाँ पर चौथे टिप्स की बात कर लेता हूँ। चौथे टिप्स में आप जैसे ही मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कूपन स्क्रैच वाला, जैसे स्क्रैच करो और ये इनाम जीतो वो इनाम जीतो, इस तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पे सर्च नहीं करना है, ना तो आप किसी भी कूपन को यहाँ पे रिसर्च करना है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, आपका नंबर हैक हो सकता है, आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है और आपका बहुत ही भारी नुकसान भी हो सकता है। पांचवें टिप्स की बात कर लूँ, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गूगल्स पे सर्च करते हैं, मान लीजिए किसी के बाल झड़ते हैं या किसी को कोई बीमारी है, आपको बुखार आ गया, तो हम वहाँ पर गूगल्स पर सर्च कर लेते हैं बुखार की दवाई कौन सी अच्छी होती है। अगर इस तरीके से आप गूगल्स पर सर्च करते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपनी जो है वहाँ पर एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आप लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा होता है, वो मोबाइल नंबर हैक होने के बाद आपका सीधा बैंक से जितने भी पैसे होंगे वो सारे के सारे काट लिए जाएंगे। आपको यहाँ पे ये दवाई के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में आप यहाँ पे नहीं सर्च कर सकते। आप गूगल से किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कुछ भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म हो गया, जैसे बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जो ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पे देती हैं, जैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी होता है, उस फार्म को आप यहाँ से गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपनी गूगल्स पे वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ से आपको कहते हैं हमारी वेबसाइट में जो है यहाँ पे साइट में लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप ये करिए वो करिए, हम आपको इतना रुपये यहाँ पे देंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ये रुपये नहीं देते हैं, आपको क्या करते हैं वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड करवा लेते हैं। आपका जो भी यहाँ पे भीमियाई हो बैंक, कोई स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपका वहाँ पे बैंक जो है यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं,
बैंक एंटर करवाने के बाद आपकी सारी की सारी संपत्ति जितनी है वो सारे बैंक में उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि वो सारा का सारा आपका डाटा हैक कर लेते हैं। तो इसलिए सावधान कर रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप इन बातों को कभी भी गूगल्स पे सर्च मत कीजिएगा, वरना आप बहुत पछताओगे। क्योंकि आप मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हो यार, तो मैंने सोचा आपके साथ इन बातों को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप जो गलत काम कर रहे हो, आप गलत काम करने से आप रुक जाओ। तो आपको इन बातों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, आपको किसी भी यहाँ पे गलत सलत वेबसाइट को आपके सर्च नहीं करना है, ना तो आपको गलत वीडियो देखनी है यहाँ पे। यही थी छोटी सी वीडियो में जानकारी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।